क्वेश्चन देखिए तीन नंबर, तीन नंबर थोड़ा हट के क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे ना अनुपात यहाँ बराबर है, तो इसका अगर इस विधि से प्रतिस्थापन से निकलेगा ना तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला, आप चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। देख लीजिए यहाँ अनुपात आपको किस तरह से बराबर कह रहे हैं, तीन नंबर को बता रहे हैं, ए वन बराबर थ्री है, बी वन बराबर माइनस वन है और सी वन बराबर आपके पास थ्री है, ए टू बराबर इसमें नाइन है, बी टू बराबर माइनस थ्री है और सी टू बराबर यहाँ नाइन है। तो यहाँ आप चेक कर सकते अनुपात ए वन बाई ए टू यानी कि थ्री बाई नाइन, वन बाई थ्री ठीक है, बी वन बाई बी टू बराबर माइनस वन बाई माइनस थ्री कट जाएगा वन बाई थ्री, और सी वन बाई सी टू यानी कि ये भी थ्री बाई नाइन कटेगा तो वन बाई थ्री, तीनों का अनुपात बराबर हो रहा है ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे ठीक है। तीनों अनुपात बराबर हो रहा है इसके कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अगर हम कोशिश करेंगे ना प्रतिस्थापन विधि से बनाने की इस क्वेश्चन को, तो आगे चल के देखिएगा कि आपका उसमें से चर ही गायब हो जाएगा। आप चाहेंगे ट्राई करना तो बना सकते हैं, लेकिन बनेगा नहीं, वहां से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला, क्योंकि यह आपका दिख रहा है अनुपात तीनों बराबर है, इसलिए आप परिमित रूप से अनेक हल इसका लिख देंगे यहीं पे, इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप बनाइएगा तो उसमें चर ही गायब हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, चलिए।